श्रीराम फाइनेंस 21 शेयर लिए हुए हैं 1923 के रेट पे, और एक है ट्रेंड का 20 शेयर लिए हुए हैं 2170 रुपए पे, ये अभी में लिए हैं लास्ट वीक लिए। और आपका होराइजन क्या है इनमें? अच्छा, अभी हाल फिलहाल ही लिया है। हाँ, एक दो महीने के लिए। ठीक है, ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म करना है तो वही ठीक है, बता दीजिए। दो महीने का नजरिया मान के चलते हैं, इतना नीचे तो नहीं गए हैं आपकी बाइंग से कि एवरेज करना पड़े आपको, बाकी रवि सजेशन देंगे। रवि, दो महीने का व्यू, ट्रेंड 2170 की बाइंग है, श्रीराम फाइनेंस 1923 की। देखिए फिलहाल तो दीपाली जी, मुझे लगता है ट्रेंड के अगर चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करें तो इस समय जो सपोर्ट है वो लगभग 2000 के पास दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो सपोर्ट है वो थोड़ा और नीचे में देखते हैं तो 1950 का दिखाई देता है। हालांकि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और इस पोजिशन को होल्ड रखिए, टारगेट होगा इसका 2250 रुपए का। दूसरा जो आपका श्रीराम फाइनेंस है, इससे जरूर कहूंगा कि थोड़ा इंट्राडे चार्ट खराब हो रहा है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग गहरा सकती है, टारगेट 1620 और 1650 के आ सकते हैं। यहां पर शॉर्ट टर्म जो है चार्ट वो भी खराब थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो एक बार को इस स्टॉक से निकल जाइए, इसकी जगह अगर आपको दूसरा स्टॉक लेना है तो आप चाहे तो बैंकिंग काउंटर में से स्टॉक चूज कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा आप ले सकते हैं, या अभी हमने चर्चा करी आईओबी की, आप उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। फिलहाल इस स्टॉक से एक बार एग्जिट होइए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रही आपकी दोनों ही होल्डिंग्स पर। बात करते हैं अगले कॉलर से, और हमारे साथ सवाल पूछने के लिए मधु केजरीवाल दिल्ली से मौजूद हैं। मधु नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? ये पीएफसी लिए हुए जी, 60